हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सुमित सारडा और हम यहाँ पढ़ रहे हैं CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज का हमारा टॉपिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लेटेस्टली एडेड स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी की पूरी टीम से, जो इस चैनल से रिलेटेड है, उनसे मिला देता हूँ। इस चैनल में आप लोगों के नवंबर 2020 के लिए जो रिविजन है लॉ से रिलेटेड, वो अलीना रायस मैम और सॉरी गुरु गुप्ता सर लेते हैं, मैं FR पढ़ाता हूँ, साहिल जैन सर डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, अभिषेक बंसल सर ऑडिट पढ़ाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जो आपका इलेक्टिव पेपर है वो अजय अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, अतुल अग्रवाल सर SCMP जो कॉस्टिंग है आपका वो वाला पढ़ाते हैं, और मीता मंगल मैम IDT लेते हैं। ठीक है, May 21 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने रेगुलर बैच शुरू कर दी है। ये रेगुलर बैच में मेरे अब तक के 5 सेशन्स हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरा टाइम बताऊं तो 5:45 से रहता है, 5:45 PM से। कुछ दिनों बाद इसका टाइम 5:15 PM से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हर रोज़ ये बैच शुरू कर चुके हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो लोग इन बैच को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन बैच के बारे में बता देता हूँ कि आप गूगल स्टोर पे चले जाइए या एप्पल स्टोर, वहाँ पे आपको प्ले स्टोर के अंदर में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ये लर्निंग ऐप के अंदर जाके आपको इसे करना है इंस्टॉल, CA फाइनल प्लस और सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग आप सब लोगों को, मैं गुड इवनिंग एक साथ पूरा स्टार्ट करता हूँ बोलना। एक बार मैं पूरा का पूरा हमारा सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। नवंबर 20 स्टूडेंट्स के लिए ऑल सेशंस आर फ्री। टारगेट 500, जो मैंने एक पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर लिया था स्टूडेंट्स के लिए विद कॉन्सेप्ट्स, ये हमने लिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ये पूरा का पूरा टारगेट 500 मतलब 500 क्वेश्चंस, पूरा का पूरा 100 आवर्स ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, ये वाला चैनल, और अनअकैडमी के ऐप पे भी इन द नेम ऑफ स्पेशल क्लासेस। उसकी पूरी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, उसके अंदर में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है। ओल्ड सिलेबस की लिस्ट अलग है, न्यू सिलेबस की लिस्ट अलग है। उसमें सारे के सारे पास एग्जाम पेपर्स, RTPs, MTPs, इंपॉर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट, सब कुछ वहां मिलेगा। 100 आवर्स ऑफ कंटेंट है जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा कमिंग अटेम्प्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और मैं उसके लिए अब काफी कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने उनको पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस है जो बोलते हैं सर जो क्वेश्चन उठा रहे हैं सब क्वेश्चन जम रहे हैं, कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, विच मीन्स कि वो कंटेंट सचमुच बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ओल्ड सिलेबस का भी कंटेंट वहां पे पूरा का पूरा है। फीस की अगर बात करूं, दिस इज फॉर May 21 नवंबर 21, स्पेशल क्लासेस आर फ्री फॉर नवंबर 20 स्टूडेंट्स। फीस की अगर मैं बात करूं तो 24,000 फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 36,000 रुपीज, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। वहां डेमो लाइव लिखा है वो नहीं, सुमित CA कोड मैंने ऊपर लिख के रखा है, ये कोड अगर यूज करते हैं तो ये डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा है। इस चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, इसमें कई नवंबर 20 स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हर रोज, फैकल्टीज हर रोज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिविजन लेते जा रही है। ठीक है, और चैनल को कीजिए, आज के वीडियो को कीजिएगा लाइक अगर पसंद आता है तो। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 फास्ट ट्रैक रिविजन। 1 आवर के अंदर अंदर हम इसे पूरा कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में ज्यादा डिले नहीं है, पर मैं स्टार्टिंग से बहुत पुराने मैसेजेस भी देखता हूँ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिलेड आंसर मिल सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। अ वेरी गुड इवनिंग तानिया जी, केशव जी, रोर गेमिंग जी, रौनक जी, किरण जी, पूजा जी, निखिल जी, रचित जी, आकांक्षा जी, रूबी जी। आकांक्षा जी का कहना है सर आपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर्स हैं वो आपके चैनल पर है ना, जो 2016 के रिकॉर्डेड है। आकांक्षा जी, आप जो वीडियोस की बात कर रहे हैं मेरे चैनल के, वो बहुत पुराने हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, स्पेसिफिकली आकांक्षा जी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, मैंने पूरा लिस्ट दिया है वहाँ, 7 लेक्चर्स है, 7 लेक्चर्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो देखिए, वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे। अब 2016 से अब तक के बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। गुड नाइट। इंड एस करो 21 करवा दीजिए। ऋषभ जी, हिमांशु जी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आगे करेंगे, मैं आपको आने वाले कुछ दिनों का शेड्यूल देता हूँ। आई सॉ योर लेक्चर ऑन, थैंक यू हिमांशु जी, आई एम फाइन विकास जी। चलिए,
तो अब आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कल का और डे आफ्टर का सेशन बता देता हूँ। आप सभी लोगों को जो स्पेसिफिक डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स मुझे भेज दीजिएगा। डे आफ्टर टुमारो हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, जिसके स्टार्ट में मैं बता दूंगा मुझे कौन कौन से डाउट्स कवर करने हैं आप लोगों के। तो ये सारे के सारे डाउट्स हम उस दिन कवर करने वाले हैं। आप लोगों के दिमाग में जो भी डाउट्स है, आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको जम ही नहीं रहे, या एमटीपी या आरटीपी, मुझे मार्क करके भेज दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करवा के दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे कहाँ भेज सकते हैं? एक तो आप मुझे भेज सकते हैं जो अनअकैडमी का ऐप है, ऐप के अंदर में मैसेज सेक्शन है, वहां पे मुझे मैसेज कर दीजिए वो सारे के सारे डाउट्स, मैं वहां से आपके पूरे के पूरे डाउट्स को क्लियर करके दे दूंगा। दूसरा, नीचे अनअकैडमी का चैनल है, वो चैनल के अंदर में डाल दीजिए, मैं वहां से आपका ये पूरे के, मैं वो पूरे के पूरे डाउट अक्यूमुलेट कर लूंगा और वो पूरे के पूरे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कल हम ITFG के जो अमेंडमेंट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें काफी सारे क्वेश्चन 116 के भी हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ITFG बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, ऑडिट के एग्जाम में भी देखे गए हैं। उसमें काफी सारे कंसेप्ट लीजर्स के हैं, तो मुझे तो लगता है आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से एक ऐसा एक कंसेप्ट है जो वहां पे भी आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा श्योर हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर कौन सा वाला, ऑडिट वाला या एफआर वाला, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो लगता है, बाकी मैं इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, वो हम कल देखने वाले हैं। वो अमेंडमेंट्स है, अक्टूबर 19 में ऐड हुए थे, तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं। अमेंडमेंट इन द सेंस कोई स्टैंडर्ड में चेंज नहीं है उसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। ITFG कुछ क्वेश्चंस पे क्लैरिफिकेशंस देता है, तो क्लैरिफिकेशंस आर नॉट एग्जैक्टली अमेंडमेंट, पर कोई कंसेप्ट जो इंडिया में क्लियर नहीं होता उसके ऊपर ITFG क्लैरिफिकेशन देता है, ठीक है। चलिए, तो इंडियन अकाउंटिंग 115 में क्लैरिटी नहीं आ रही है, विकास जी हमने जो वीडियो डाला क्या उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं आई है, आपका ये कहना है? कुछ और चीजें, मैंने कुछ क्वेश्चन मिस किए हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर से मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। टारगेट 500 के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? ऋषभ जी, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, टेलीग्राम चैनल के अंदर में अन अकेडमी की लिंक है, वो लिंक के अंदर में जाइए, वो लिंक को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, मैंने पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन वहां मार्क करके रखे हैं। 116 में ट्रांजिशन वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं निखिल जी, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ट्रांजिशन के क्वेश्चंस आएंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन भी आपसे ही पढ़ना है, तो वो कहाँ मिलेंगे? आकांक्षा जी, काफी सारे क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन के पास एग्जाम पेपर्स में मिल जाएंगे, इनफैक्ट सारे मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन थे सब मैंने सॉल्व कराए हैं, सारे के सारे। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा स्क्रॉल करते समय, कौन कौन से, मतलब आप क्या कीजिए, आप पास एग्जाम पेपर एमटीपी लेके बैठिए, जहां जहां क्वेश्चन दिख रहे हैं वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 116 में एक क्वेश्चन है जिसमें स्कोप है, मॉडिफिकेशन है, वो जरूर करवाना। आप जो मॉडिफिकेशन की बात करें हिमांशु जी, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, डाउट सॉल्विंग में करवा दूंगा। आज के सेशन मेरा थोड़ा सा प्लान है कि मैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 500 प्लेलिस्ट में दिया हुआ है सर, मैंने 115 के क्वेश्चंस आज ही कराओगे आप? पूजा जी, आपने जो 115 का मेरे को एक डाउट भेज के रखा है, वो 115 का डाउट मैं आपका कल, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो डाउट सॉल्विंग सेशन में ले लूंगा, ठीक है। नंबर, ऋषभ जी मुझे नंबर शेयर करना अलाउड नहीं है, मैं नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इंड एस 115 में मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, ठीक है। विकास जी, आपका जो 115 का डाउट है मॉडिफिकेशन का, वो मैं डे आफ्टर टुमारो ले लूंगा, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल का टाइम सेम है? हाँ, कल का टाइम सेम है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अंदर में कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहला, कुछ स्कोप दिया हुआ है 116 का, स्कोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको टेस्ट या नॉलेज में मिलेंगे, ये लीज का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं, एक ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो बेसिक लीज होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज, वो किस तरह से होता है, वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग अटेम्प्ट में मुझे जितना समझ में आता है, मॉडिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? मॉडिफिकेशन के ऊपर अमेंडमेंट है जो आपको एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर 20 को एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए अब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का स्कोप खत्म हो गया मॉडिफिकेशन, ठीक है। डी रिकॉग्निशन बहुत ही आगे एडवांस लेवल क्वेश्चन होता है, जब पहली बार नया स्टैंडर्ड आता है ना, तो उसके इनिशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो टेस्ट योर नॉलेज के या फिर चैप्टर के स्टार्टिंग के। अब इसके टेस्ट योर नॉलेज में भी थियरी क्वेश्चन है और स्टार्ट वालों में भी थियरी क्वेश्चन है, तो हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको इंडिया 116 में रिकॉग्निशन कैसे होता है वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए,
वैसे तो मुझे टेस्ट योर नॉलेज कराना है, पर मैं आपको कुछ बातें पहले स्कोप से रिलेटेड बता देता हूँ, स्कोप से रिलेटेड, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाता हूँ। स्कोप के अंदर में दो बातें बताई गई है, आप लोगों ने कुछ बातें लिखी हैं, कुछ डाउट्स लिखे हैं, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं पहले स्कोप कवर कर लेता हूँ, वरना मैं आप लोगों के दूसरे पॉइंट्स के ऊपर ही बातें करता रह जाऊंगा, आज का हमारा चैप्टर रह जाएगा, ठीक है? मुझे 115 दिख रहा है, शेड्यूल 3 दिख रहा है, अब बातें उसके बारे में बाद में करेंगे। दो तरह की चीजें इंड एस 116 में कवर नहीं होती, लीज में कवर नहीं होती। सर लीज क्या होता है ये बताइए, अभी टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। लीज का बेसिक डेफिनेशन आप सबको समझता है, तो मैं ये अजम्पशन पे आगे बढ़ रहा हूं, क्या इस चैप्टर में कवर नहीं होगा। पहली बात, शॉर्ट टर्म लीज। सर शॉर्ट टर्म लीज क्या होता है? लीज का एग्रीमेंट 12 महीने का ही है, लीज का एग्रीमेंट 12 महीने या उससे कम का है, इसे शॉर्ट टर्म लीज बोलते हैं। मैंने आपसे कार लीज पे ली है 11 महीने के लिए, ये यहां कवर नहीं होगा। मैंने आपसे जमीन लीज पे ली है 12 महीने के लिए, ये यहां पे कवर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अ लीज डेट इज कमेंसमेंट डेट हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस, 12 मंथ्स और लेस, वो सारे के सारे यहां पे कवर होते हैं। समझ रहे हैं क्या आप लोग? बताइए यस या नो। तो इसके ऊपर मैं आप क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके ऊपर मैं आपके एक 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 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चन के आंसर देना, और यही क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसी से रिलेटेड, इसी स्कोप से रिलेटेड एक ITFG का क्वेश्चन है जो हम कल देखने वाले हैं, कल देखने वाले हैं। तो ITFG का जो क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट पे, और ये पहला कंसेप्ट है आपकी बुक के अंदर में, इसीलिए मैं थोड़ा सा श्योर हूं कि वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? मुझे बताइए यहां तक ही क्लियर है, पहली वाली पहला मुद्दा क्लियर है आप लोगों को? बोलिए बोलिए कुत्तू बोलिए, यस या नो। आप लोगों के बीच के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़े हैं, विकास जी, हिमांशु जी, पूजा जी, आपने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, ये मैंने नहीं पढ़े हैं। जब मैं पूरा सेशन एक बार का समझा दूंगा ना, प्लीज ये क्वेश्चन वापस पूछ लेना, क्योंकि स्क्रॉल करके ऊपर के मैसेजेस गायब हो जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो एक बार वापस से एंड में पूछ लीजिएगा, मैंने अभी वो क्वेश्चन होल्ड पे रखे हैं, 116 स्टार्ट कर रहा हूं इसीलिए। चलिए, आप सब लोगों को बेसिक बात समझ गई। अभी आपसे एडवांस बातें करेगा, ये बोलेगा आपने एक एग्रीमेंट किया 11 महीने का, आप इसे रिन्यू कर सकते हैं फर्दर 11 मंथ्स, अभी भी शॉर्ट टर्म लीज का एग्जेम्पशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से 11 महीने के लिए लीज पे लिया, इसे फर्दर 11 मंथ्स रिन्यू कर सकते हैं, बताइए शॉर्ट टर्म लीज का एग्जेम्पशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऑप्शन किसके पास है ध्यान से पढ़ना, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से मशीन लीज पे ली 11 मंथ्स, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से मशीन लीज पे ली 11 मंथ्स, ए लिमिटेड हैज द ऑप्शन, मेरे वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं बहुत ज्यादा फोकस करके स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, ए लिमिटेड हैज द ऑप्शन टू फर्दर एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 11 मंथ्स, टू एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 11 मंथ्स, ये शॉर्ट टर्म लीज एग्जेम्पशन में आया या नहीं आया? जो एग्जेम्पशन में आया उसको 116 नहीं लगाएंगे, उसको 116 नहीं लगाएंगे। आपके दिमाग में आएगा क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, जो रेंट पे कर रहे हैं एक्सपेंस दिखा दीजिए, जो रेंट पे करेंगे एक्सपेंस दिखा देंगे। डिपेंड करता है कि अब ए को शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन, ये वाला एग्जेम्पशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबल है कि ए लिमिटेड उस रिन्यू को एक्सरसाइज करेगा। क्वेश्चन फर्दर डेटा देगा कि मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है, ये मशीन जिससे मिली है उसे बनाने वाला स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर है, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स इतने इजीली मिलते नहीं है, ऐसी कई सारी बातें लिखी रह सकती है। तो मैंने जो बातें आपको बोली उससे आपको क्या लगता है कि ये, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी लाइफ 10 साल है, जो उस मशीन से बनता है उसकी लाइफ 10 साल है, ये बातें सुन के आपको क्या लगता है वो रिन्यू एक्सरसाइज करेगा या नहीं, यस या नो? आपका एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है, आपका माइंड क्या ट्रिगर करता है वो रिन्यू करेगा यस या नो? तो आपने कुछ बातें बताई है, सर्टिनिटी डिपेंड्स, देखेंगे इंटेंशन ऑफ द लेसी, एक्सरसाइज करना ही कि नहीं। सर इंड एस 7 इंपॉर्टेंट है क्या अटेम्प्ट के लिए? हाँ इंड एस 7 इंपॉर्टेंट है, लग जाएगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट है, यस 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 यस, सही बोल रहे हैं आप। तो वो रिन्यू करेगा, ये एक्सपेक्टेड है, अगर एक्सपेक्टेड है कि वो रिन्यू करेगा, एक्सपेक्टेड है अगर, तो शॉर्ट टर्म लीज में नहीं आएगा, तो शॉर्ट टर्म लीज में नहीं आएगा। अब आपको फोकस कौन कौन से पॉइंट्स पे करना है, फोकस पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, 11 महीने का लीज है, रिन्यू हो सकता है। अगर लिखा रहा कि रिन्यू, मेरी हैंडराइटिंग खराब है पहले ही बोल रहा हूं, माफ कर दीजिएगा, म्यूचुअल कंसेंट से होता है। आप में से कुछ लोगों ने नो लिखा है, अभिषेक जी ने लो नो लिखा है, अभिषेक जी नो नहीं, नो नहीं। मैंने क्या कहा था उस समय आपको, मैंने आपको कहा था कि रिन्यू
मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है, तो ऑब्वियसली बात है आप इसी के बंदे के साथ रिन्यू करेंगे, दूसरे के पास क्यों जाएंगे, समझ रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल है, यानी आप ये मशीन को फर्दर भी यूज करने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है। और ऑप्शन आपके पास है, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, ऑब्वियसली करेंगे। मना कर दिया आपने, ये मशीन जाएगी, दूसरी मशीन मंगाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल है, नई मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग जाएगा, आपको पुराएगा ही नहीं ना, तो एक्सपेक्टेड है कि होगा, वो कंटिन्यू होगा। ये समझ में आया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। रिन्यू में म्यूचुअल कंसेंट वर्ड यूज हुआ है, म्यूचुअल कंसेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल कंसेंट? दोनों की हामी होनी चाहिए, लेसर की भी लेसी की भी। अगर म्यूचुअल कंसेंट लिखा है, ए लिमिटेड के पास ऑप्शन नहीं है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है, तो अब आप इस पे एग्जेम्पशन लगाएंगे, लगाएंगे, याद रखिए। क्यों? दूसरे के ने भी हामी भरना है ना, दूसरे की हामी लेसी को कहां पता, लेसी को क्या पता लेसर हां बोलेगा या नहीं बोलेगा। अगर म्यूचुअल कंसर्न वर्ड यूज हुआ है तो आप बोलेंगे, यानी बाकी सब पॉइंट दिया है कि लाइफ 10 साल है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है, सब बातें सेम है, पर स्टार्टिंग में लिखा है कि रिन्यू म्यूचुअल कंसेंट पे होगा। अगर म्यूचुअल कंसेंट लिखा है तो शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन लगेगा। ध्यान में रहेगा क्या सबको? ठीक है, ध्यान में रहेगा, म्यूचुअल कंसेंट है तो शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन लगेगा, इंड एस 116 नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन लगेगा, इंड एस 116 नहीं लगेगा। बताइए बताइए, ये वर्डिंग्स का ध्यान रखना है। दूसरा, रिन्यू मार्केट रेट पे होगा, रिन्यू मार्केट रेट पे होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट रेट वर्ड यूज होता है तो मार्केट रेट के समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट रेट मतलब, अब दूसरी चीजें देखिए, क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है? अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है तो रिन्यू होगा। मार्केट रेट को दूसरे टर्म्स के साथ देखना है। अगर इंस्टॉलेशन को कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लिखा है कि ए रिन्यू कर सकता है, रिन्यू मार्केट रेट पे होगा। अब मार्केट रेट पे होगा तो ए इस बंदे से रिन्यू करे या किसी और से रिन्यू करे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे में शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन लगेगा, 116 नहीं लगेगा। पर ये मार्केट रेट डिपेंड करता है दूसरे पॉइंट्स के साथ, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ह्यूज है ऐसा लिखा है तो ऑब्वियसली बात है वो रिन्यू करेगा। ठीक है, ये मशीन इजीली नहीं मिलती, ऑब्वियसली बात है वो रिन्यू करेगा। ये मशीन स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाई गई है, ऑब्वियसली वो रिन्यू करेगा। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैटर नहीं करेगा यहां पे। ठीक है, बताइए यहां तक ये क्लियर है? प्रमोद जी, मेरे टी शर्ट पे अनअकैडमी उल्टा इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने मिरर ऑन करके रखा है। ठीक है, इसीलिए। आई एम सॉरी बट वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिपीट ऑल अगेन इफ पॉसिबल? पूजा जी, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूँ, 12 महीने से कम के अगर रहते हैं एग्रीमेंट्स तो हम उसे शॉर्ट टर्म ली एग्जेम्पशन लगाते हैं और 116 नहीं लगाते, 116 नहीं लगाते। पर अगर रिन्यू ऑप्शन होता है तो 116 लगेगा या नहीं, वो बातें की जा रही है और कुछ नहीं। आई होप यहां तक के क्लियर होगा आपको। किसी को भी यहां तक के कोई डाउट होगा तो प्लीज बोलिएगा मुझे। ठीक है, तीसरा, प्रोडक्ट की लाइफ 1 ईयर है तो ये आप मुझे बताइए एग्जेम्पशन लगेगा या नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म लीज का लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, आप जब भी बोलते हैं एग्जेम्पशन लगेगा मतलब आप 116 नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट की लाइफ ही 1 ईयर है, प्रोडक्ट की लाइफ ही 1 ईयर है तो एग्जेम्पशन लगेगा या नहीं लगेगा, तो निखिल जी का कहना है लगेगा। ठीक है, यस एग्जेम्पशन लगेगा, एग्जेम्पशन लगा मतलब 116 नहीं लग रहा है, ये बात ध्यान में रखिए मेरी दोनों बातें। सर एग्जेम्पशन लगता है तो क्या होता है? एग्जेम्पशन लगता है तो जो रेंट देते हैं ना वो एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, जब रेंट पे करेंगे तब एक्सपेंस बुक कर लेंगे। तो सर 116 में क्या होता है? थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा जी का कहना है नहीं लगेगा, पूजा जी लगेगा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है? 12 महीने से कम अगर आपका लीज एग्रीमेंट है और आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 1 ईयर है तो आप रिन्यू क्यों करेंगे ना, आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ही खत्म हो गई तो रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, दूसरा वाला एग्जेम्पशन देखिए। लीज इज फॉर एन अंडरलाइंग एसेट ऑफ लो वैल्यू, यहां लो वैल्यू एंटिटी के पॉइंट से नहीं देखना है, लो वैल्यू मतलब इमटेरियल एसेट्स, जैसे कि ऑफिस में प्रिंटर है वो लीज पे लिया है, इमटेरियल एसेट। ऑफिस का कंप्यूटर है वो लीज पे लिया है, एम्प्लॉयज के मोबाइल्स लीज पे लिए हैं,
ये सब लो वैल्यू एसेट्स होते हैं। एक जमीन है, एक एंटिटी है, लेट्स से टाटा, टाटा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का टर्नओवर है, अरबों रुपए का नेटवर्थ है, अरबों रुपए का नेटवर्थ है। 1 लाख रुपए की जमीन उन्होंने लीज पे ली, 1 लाख रुपए की जमीन उन्होंने लीज पे ली, ये लो वैल्यू एसेट है या नहीं? ये लो वैल्यू एसेट है या नहीं? नहीं है लो वैल्यू एसेट। आप एसेट की आइडेंटिटी देख रहे हैं, एंटिटी के पॉइंट से नहीं देख रहे कि ये लो वैल्यू एसेट है या नहीं। यानी एंटिटी के पॉइंट से नहीं सोचना है, एसेट के नेचर से सोचना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो फोन इमटेरियल, लो वैल्यू एसेट। ठीक है, अब आप में से कई लोग बोलते हैं सर आईफोन एग्जाम में थोड़ी पूछने वाले हैं आईफोन। ठीक है, पर आईफोन भी लो वैल्यू एसेट के अंदर में ही आएगा। अब उसके अंदर में स्टेशनरी की बात कर दीजिए, ऑफिस के अंदर के एसी की बात कर दीजिए, लो वैल्यू एसेट्स। मशीनरीज लो वैल्यू एसेट नहीं होती, लैंड लो वैल्यू एसेट नहीं होती। जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं से वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आगे दिखेगा, अभी हम ढूंढने के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं हिंदी में डिस्कस करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। पर एक बार मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद में एक बार आप क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना फटाफट बुक के अंदर। आंसर्स मैं बता रहा हूँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा एक बार पढ़ लीजिए। एंटिटी ने अपने 100 एम्प्लॉइज के लिए 100 फोन्स एक साथ या 100 लैपटॉप्स एक साथ, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी यहाँ पे, मोस्टली फोन है, 100 फोन्स एक साथ लीज पे ले लिया, 100 फोन्स एक साथ लीज पे ले लिया। इंडिविजुअली फोन्स लो वैल्यू है पर कंसोलिडेटेड 100 बहुत ज्यादा वैल्यू थी। एग्जेम्पशन लगा या नहीं लगा? एग्जेम्पशन लगा या नहीं लगा बताइएगा, आपको क्या लगेगा? आप बोल रहे हैं 10 लैपटॉप्स, तो हिमांशु जी ने 12 प्रो पूछ लिया। हिमांशु जी मैंने अब भी आपको बोला आईफोन लो वैल्यू एसेट, लो वैल्यू एसेट। ठीक है, 10 लैपटॉप्स अभी जी मैंने अभी पूछा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसी का तो जवाब पूछ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आप इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। ठीक है, सो दे'ल बी कंसिडर्ड टू बी लो वैल्यू एसेट्स। मेरे हिसाब से लैपटॉप भी लो वैल्यू एसेट के अंदर में ही आएगा क्योंकि ऑफिस के अंदर में लिया गया है। पर अब आप बोलोगे कि सर ये आईटी कंपनी है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा फ्रेम्ड है कि आईटी कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो लो वैल्यू एसेट नहीं हुआ, वो फिर हाई वैल्यू एसेट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली देखते हैं, कंसोलिडेटेड ग्रुप नहीं। भले आप 100 मोबाइल ले रहे हो, मैं एक एक मोबाइल का एग्रीमेंट देख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं लगेगा, ये सबको क्लियर है, मैंने समझा दिया आपको, नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए लो वैल्यू एसेट से रिलेटेड। यहां तक के कोई डाउट? यहां तक के हमने एग्जेम्पशंस कवर किया। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है दिमाग में, कोई भी सवाल है तो फट से पूछ लीजिए, उसके ऊपर क्लैरिटी देंगे। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हर पॉइंट के, हर पॉइंट पे बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर वो जो टाटा का आपने एग्जाम्पल दिया उसमें वो जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की जमीन, तो क्या 116 लगाएंगे? अरबों रुपए का नेटवर्थ है, 1 लाख रुपए की जमीन के ऊपर लगाएंगे? क्योंकि शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 के हिसाब से उनको तो फिगर इन लैक्स दिखाना पड़ता है, फिगर इन लैक्स। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? एक कंसेप्ट याद रखिए हमेशा दिमाग में फिट, इमटेरियल चीजों पे हम इंडेक्स लगाते ही नहीं है, हम सिर्फ मटेरियल चीजों पे इंडेक्स लगाते हैं। तो यहां जो लो वैल्यू एसेट्स आ रहे हैं ना, ये वो लो वैल्यू एसेट्स है जो मटेरियल है, जो मटेरियल है, अमाउंट में मटेरियल है, यानी इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, बट बाय आइडेंटिटी वो एसेट लो वैल्यू एसेट है। अगर ये इमटेरियल एसेट हो जाता तो 116 को स्कोप की जरूरत ही नहीं थी। इमटेरियल चीजों पे आप इंडेक्स लगाते ही नहीं है, किसी इमटेरियल चीज पे इंडेक्स नहीं लगता। इंडेक्स 1 साक्षी है इस चीज का, बताता है वो, आपको क्लैरिटी देता है। आई होप इट इज क्लियर। सर म्यूचुअल कंसेंट पॉइंट प्लीज डिस्कस अगेन। म्यूचुअल कंसेंट में शंतनु जी क्या होता है? मैं लेसी हूं आप लेसर हो, अगर दोनों हाँ बोलते हैं तो रिन्यू होगा, तो लेसी हाँ बोलेगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है लेसी, पर लेसी को ये थोड़ी पता है कि लेसर हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। अब लेसर को पता भी होगा तो भी डजेंट मैटर, म्यूचुअल कंसेंट चाहिए ना, उसका भी कंसेंट चाहिए। मेरे बोलने से काम हो जाए, मैं बोलूंगा रिन्यू लेना है, मेरे बोलने से नहीं होगा तो रिन्यू वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया शांतनु जी? इंडिविजुअल एंड लॉट वाला वापस। निखिल जी मोबाइल्स अगर आप 100 ले लें, 1000 ले लीजिए, 1000 मोबाइल एक साथ लीज पे लिए जा रहे हैं, मैं इंडिविजुअल मोबाइल लो वैल्यू एसेट है क्या ऐसे देखता हूं, कंसोलिडेटेड मैटर नहीं करता। कंसोलिडेटेड के पॉइंट से नहीं देखना, हर एसेट को इंडिविजुअली देखना है। ठीक है सर, लीज एग्रीमेंट तो एक ही बनेगा अगर 100 फोन्स है, डजेंट मैटर तन्वी जी, लीज एग्रीमेंट एक बने 100 बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लीज एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं डिसाइड हो रहा है लो वैल्यू एसेट। मैंने क्या कहा? एसेट की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, आपके लीज एग्रीमेंट पे, एंटिटी की सोच से नहीं डिपेंड करता। ठीक है,
सर अगर लो वैल्यू एसेट हाईली डिपेंडेंट है अदर एसेट्स पे तो वो लो वैल्यू आइटम लगेगा। रूबी जी, अगर कोई एसेट दूसरे एसेट पे डिपेंडेंट है तो आप कंसोलिडेटेड लीज एग्रीमेंट देखते हैं। जैसे कि आप एक मशीन लीज पे ले रहे हैं, मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा टूल लगता है, एक छोटा सा टूल के बेसिस पे ही ऑपरेट होता है। लेट से एक छोटा सा आईपैड है, 3,000 रुपये वाला आईपैड, जो बेसिक आईपैड आता है, मतलब उसमें ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं रहते। आईपैड यानी एप्पल का आईपैड नहीं, प्लीज़, मैं आईपैड बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग वो मत समझिए, टैबलेट, ठीक है, टैबलेट। 3,000 रुपीज़ वाले टैबलेट से वो ऑपरेट होगा। अब ये टैबलेट को इंडिपेंडेंटली देखना है या मशीन के साथ, वो मशीन के बिना काम ही नहीं कर सकता। तो मशीन और टैबलेट को कंबाइंड लीज में देखते हैं, कंसोलिडेटेड, ठीक है। वहां पे ये कंसेप्ट की बात नहीं हो रही क्योंकि आपने मशीन लीज पे ली है, टैबलेट लीज पे नहीं लिया है। आई होप आपका क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। यस सर, थैंक यू सर। एंटिटी के पास चॉइस है ना कि ऑप्शन लेना है कि नहीं मोबाइल पे, एंटिटी के पास चॉइस है ना कि ऑप्शन लेना है कि नहीं मोबाइल पे, एंड में ऑप्शन मोबाइल परचेज करने का, आप ऐसा बोल रहे हैं रौनक जी, डजेंट मैटर, लो वैल्यू एसेट है, ऑप्शन है या नहीं डजेंट मैटर, अपने आप में आइडेंटिटी उस एसेट की लो वैल्यू एसेट है, क्योंकि वो लो वैल्यू एसेट है, उस पर इंड एस 116 नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं कि भाई आईफोन भी अगर हो जाए तो भी वो लो वैल्यू एसेट ही रहेगा, ये मैं बता रहा हूं एज पर द कंसेप्ट कि एसेट बेसिस पे डिपेंड करता है, एसेट बेसिस पे। हो सकता है कल जाके आईटीएफजी की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, तो कल जाके हो सकता है उसके बेसिस पे हमारा आंसर बदल जाए, ठीक है। अब आईटीएफजी को ये सवाल पूछे जाएंगे इन फ्यूचर, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, उसके कारण आंसर बदल सकता है। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आंसर बदल सकता है, ठीक है, पर आज आपकी नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए मेरा आंसर यही है, आईफोन वो पूछेंगे नहीं, मैं सिर्फ एक क्लैरिटी दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म लीज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करने का। रौनक जी आपने जो बोला वो बात मुझे समझी नहीं, शॉर्ट टर्म लीज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, अगर ऑप्शन है एक्सरसाइज करने का तो एग्जम्पशन नहीं लगा सकते, ऑप्शन नहीं है एक्सरसाइज करने का तो एग्जम्पशन लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आता हूं सबसे लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, लास्ट कंसेप्ट यानी थियरी लास्ट कंसेप्ट, प्रैक्टिकल अभी हमारा बचा है। एंड में टेस्ट योर नॉलेज में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो थियोरेटिकल है, हमें यह समझना पड़ता है कि इसमें लीज है या नहीं है। 90% यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें 90% यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो मैंने दो ऑप्शंस आपको दिए, एक जो आईटीएफजी का है जो मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एक क्वेश्चन लीज का, दूसरा ये। यहां तक के तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपको। अब ये क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन करूंगा, जहां कंफ्यूजन होगा मुझे बीच में बोलना, सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। प्रमोद जी, विल यू प्रोवाइड नवंबर 20 आरटीपी एंड मॉक वीडियो? प्रमोद जी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जिस चैनल में आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैंने एमटीपी भी पूरा डिस्कस कर लिया है 3 पार्ट्स में, आरटीपी भी पूरा डिस्कस कर लिया है, आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू यूज एसेट वाला थियरी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ निखिल जी, अभी हम राइट टू यूज एसेट वाला कंसेप्ट के ऊपर ही आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना, कंसेप्ट से क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा प्लीज। अ लेसी एंटर्स इन टू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ लेसर फ्रेट कैरियर टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रेट कैरियर का हुआ है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा फ्रेट है, मेरा ऐसा ऐसा सामान है, उसे आपको कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह। जब भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हैं तो क्या ये लीज है या वो आपको सर्विस दे रहा है, सवाल ये आया। जैसे आपने उबर से गाड़ी मंगाई तो उबर वाला आपको गाड़ी लीज पे दे रहा है या वो आपको सर्विस दे रहा है, सवाल ये आता है। वही चीज यहां भी हुई, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला किसी को कि भाई तुझको मेरे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या ये लीज है या वो सर्विस दे रहा है, डिपेंड करता है। आप में से कई लोग बोलेंगे सर्विस देता है, डिपेंड करता है इस बात पे कि वो जो एसेट है क्या वो स्पेसिफिक एसेट है सिर्फ मेरे लिए, बात नंबर एक। बात नंबर दो, वो एसेट मेरी गाइडलाइंस पे यूज हो रहा है या नहीं, मेरी मतलब लेसी, लेसी क्या वो स्पेसिफिक एसेट है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लेसर मुझे वही एक पर्टिकुलर एसेट है जो देगा। जैसे कि फ्रेट कैरी होने वाला है तो फ्रेट के लिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, लेट से मैं नंबर लिखता हूं MH01F2727, ये नंबर की ट्रक ही हर बार आती है, ये एक पर्टिकुलर ट्रक है जो मेरे इस फ्रेट को हमेशा कैरी करेगी, तो स्पेसिफिक है। अगर वो हर बार दो अलग अलग गाड़ियां बेच सकता है जैसे उबर में होता है आप लोगों के साथ में, तो सर्विस है, स्पेसिफिक गाड़ी है तो लीज है, स्पेसिफिक। ये पहले पहला पॉइंट हुआ, एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे।
अगर स्पेसिफिक है तो लीज है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो सर्विस है, समझ रहे हैं? स्पेसिफिक है तो लीज है, स्पेसिफिक नहीं है सर्विस है, ठीक है? सर प्रीवियस टू आरटीपीज एमटीपीज डिस्कशन है क्या? हाँ अतुल जी, प्रीवियस टू छोड़िए, मई 18 से आज तक जितने आरटीपी हुए हैं सब डिस्कस हुए हैं, सारे एमटीपी डिस्कस हुए हैं, सारे पास एग्जाम पेपर्स डिस्कस हुए हैं। सब्सटेंटिव राइट की कंडीशंस, हाँ बोल सकते हैं आप, ऊबर वाला सर्विस दे रहा है, करेक्ट रौनक जी। अब यहां पढ़िए, लेसर यूजेस द रेल वैगन्स, अब ये रेल वैगन्स है जिसके थ्रू पूरा का पूरा हो रहा है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, आपको जो गुड्स लगेंगे उसके लिए जो वैगन है वो एक स्पेसिफिकेशन का लगता है, एंड हैज अ लार्ज पूल ऑफ सिमिलर, सिमिलर एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करना सीखिए, सिमिलर रेल वैगन्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे रेल वैगन्स है आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसके पास। द रेल वैगन्स एंड इंजन्स आर स्टोर्ड एट लेसर्स प्रिमाइस, जो उसका ओनर है उसी के प्रिमाइस में ये सारे वैगन रखे जाते हैं, यानी आपको सर्विस दे दिया उसके बाद वो वैगन वापस लेसर के प्रिमाइस में आ जाता है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे रख दिया, वापस लेसर के यहाँ आ जाता है। वेन दे आर नॉट बींग यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, यानी कि जो ऊपर मैंने गाड़ी का नंबर लिखा वो गाड़ी का नंबर स्पेसिफिक नहीं है, वैगन का नंबर स्पेसिफिक नहीं है, समझ रहे हैं? लीज है या सर्विस है, लीज है या सर्विस है, बताइए मुझे। धन्यवाद प्रमोद जी, रौनक जी ने पहले बोल दिया सर सर्विस है, सर सर्विस है, ये सर्विस है, स्पेसिफिक गाड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, सिमिलर रेल वैगन्स नहीं है, अब आंसर दीजिए, सिमिलर रेल वैगन नहीं है आपके स्पेसिफिकेशन का, उसके पास एक ही रेल वैगन है, आपके स्पेसिफिकेशन का उसके पास एक ही रेल वैगन है, अब जवाब दीजिए। हाँ डाउट लूंगा ना रॉयल गेमिंग के एंड में, डाउट लूंगा, पक्का लूंगा मैं, अब बताइए, सिमिलर रेल वैगन नहीं है, एक ही रेल वैगन है उसके पास आपके स्पेसिफिकेशन वाला, बताइए बताइए, क्या बात, शाबाश, लीज है, लीज है, समझ गए समझ गए। सिमिलर वर्ड रहने देते हैं, सिमिलर वर्ड रहने देते हैं। आपको सर्विस देने के बाद, आपको सर्विस देने के बाद लेसीज प्रिमाइस के ऊपर ही वो वैगन पड़ा रहता है, आपकी सर्विस हो गई वो वैगन आपके यहीं पड़ा रहेगा, अगली बार सर्विस के लिए वापस से यूज कर लीजिए, उसके पास सिमिलर बहुत सारे रेल वैगन्स हैं, पर आपको सर्विस दे दिया उसके बाद वो वैगन आपके यहीं पड़ा है, बाद में आपको जब भी उसकी जरूरत है वापस से आपको लीज दे देगा, वापस वो वैगन आपके यहीं पड़ा है, यानी ऐसा सोचिए देखो कि उबर वाले ने आपको, आपको हर रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए आप उबर की गाड़ी बुक करते हो, उबर वाला बंदा सुबह आपको लेने आता है, फिर उसके बाद आपको शाम को ड्रॉप करने आता है, वो शाम को वहीं रुक जाता है, वहीं सो जाता है गाड़ी में, अगले दिन सुबह आपको वापस से सर्विस के लिए लेके चले जाता है, यानी आपकी ही प्रिमाइस में वो पड़ा है, अब बताइए लीज है या सर्विस, लीज है या सर्विस, बताइए बताइए, आपकी प्रिमाइस में ही पड़ा रह जाता है, क्या बात क्या बात, यस अभी भी लीज है, अभी भी लीज है, अब भले उसके पास सिमिलर बहुत सारे एसेट्स है पर उनको रिप्लेस नहीं कर रहा ना, वो आपको उसी एसेट से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो इजीली रिप्लेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, हाँ कर सकता है अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, कि यानी वो लेसीज प्रिमाइस पे छोड़ दिया और बस उसके आगे कुछ नहीं बोला है तो लीज है, पर वो बोलता है दीज आर इजीली रिप्लेसेबल, इजीली रिप्लेसेबल एट नो कॉस्ट, सर्विस है, सर्विस है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अगर वो रिप्लेस कर सकता है वो क्यों वहां छोड़ रहा है वो उसका डिस्क्रिप्शन, अगर इजीली रिप्लेसेबल है तो उसके पास राइट है वो कभी भी रिप्लेस कर देगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो सर्विस है, यानी हर वर्ड से आपका आंसर बदलते चले जाएगा, सिमिलर व्हीकल्स नहीं है लीज है, सिमिलर है सर्विस है, वो उस आपको ही प्रिमाइस पे छोड़ देता है लीज है, आपके प्रिमाइस पे नहीं छोड़ता सर्विस है, ठीक है, आपके प्रिमाइस पे छोड़ देता है पर इजीली रिप्लेसेबल है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट निल है या इमटेरियल है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इमटेरियल है, ठीक है, सर्विस है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ह्यूज है, लीज है, हर वर्ड से आंसर बदलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहां तक कि कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए मुझे, यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए मुझे। तो यहां आपको पूछ रहा है वेदर द लेसर हैज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, क्या सब्स्टिट्यूशन के राइट्स उसके बहुत जबरदस्त है, इस क्वेश्चन का आंसर है हां, अगर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं तो लीज नहीं होता, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है तो लीज है,
एग्जाम में मेरे वर्डिंग्स, यानी ये आपको इंग्लिश में फ्रेम करके एग्जाम में लिखना है, ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूशन, राइट्स। अगर है तो सर्विस है, नहीं है तो लीज है। सो नाउ मूविंग एड, सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, यस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एंटर्स इन टू अ 20 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ एनर्जी सप्लायर एस टू इंस्टॉल ऑपरेट मेंटेन अ सोलर प्लांट। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट सोलर प्लांट से एनर्जी देने का। एम डिजाइन द सोलर प्लांट बिफोर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। एम डिजाइन द सोलर प्लांट, एम कौन है? एस को सप्लाई करना है, एस लेसर है, एम लेसी है। एम ने ही डिजाइन दिया है एस को, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरा का पूरा सोलर प्लांट बनाया गया। डिजाइन द सोलर प्लांट व्हेन इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, एम ने एक्सपर्ट्स हायर किए, ठीक है। लोकेशन एम के हिसाब से डिजाइन हुआ, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एम ने डिजाइन किया था। एम हैज एक्सक्लूसिव राइट, एम के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, राइट एंड ऑब्लिगेशन टू टेक द एनर्जी प्रोड्यूस। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरे खरीदने के एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव एम के पास है, ठीक है। क्या एम ये लीज है या नहीं, आप ये बताइए। आखिरी लाइन बाद में पढ़ेंगे, ये लीज है या नहीं है, आपको क्या लगता है? एम एस को बोलता है, तुम मुझे एनर्जी दो, तुम मुझे एनर्जी दो। तुम्हारे प्लांट को डिजाइन मेरी स्पेसिफिकेशन से किया गया, एम ने डिजाइन दिया, एम इंजीनियर लाया, एम ने लोकेशन डिसाइड किया, एम के पास एक्सक्लूसिव राइट है, जो एनर्जी बनेगी पूरी की पूरी वही खरीदेगा। आपको क्या लगता है, लीज है या नहीं है? लीज है या नहीं है, यस या नो? तो आप में से कई लोगों का कहना है लीज है, यस लीज है। लेट्स प्ले विद द वर्ड्स, लेट्स प्ले विद द वर्ड्स। एक्सक्लूसिव राइट, एम के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, एस दूसरों को भी बेच सकता है, बाकी सब सेम। एम की डिजाइन के हिसाब से बनाया गया, एम का लोकेशन है, एम की डिजाइन, एम का लोकेशन, एम के इंजीनियर्स। एम के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, एस दूसरों को भी बेच सकता है, लीज या सर्विस? लीज या सर्विस बताइए। दीपा जी, आपने जो नो लीज बोला है वो किसके लिए बोला है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आपका आंसर बाद में देखा है मैंने। तो प्रिंसी जी का कहना है सर्विस है। रघु कार्तिक जी का कहना है सर लीज नहीं है, मतलब सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर बेनिफिट चेक करना पड़ेगा ना कि कौन भी? हाँ रौनक जी, अब आप जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में इतना ही लिखा था, क्वेश्चन में इतना ही लिखा था कि एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, दूसरों को भी सप्लायर बेच सकता है। अब आप जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आप जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन में नहीं दिया था। अब मैं वो बेनिफिट के ऊपर आऊंगा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे दीपा जी, सर्विस है दीपा जी, क्यों? एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, एस चाहे किसी और को बेच दे, क्या फर्क पड़ता है? एम ने डिजाइन किया तो एस बेच सकता है दूसरे को, एम ने इंजीनियर भेजा तो एस बेच सकता है ना दूसरे को, एम ने लोकेशन डिसाइड किया, अरे तो क्या एस बेच सकता है ना दूसरों को। पर अब मैं आगे एक पॉइंट डाल रहा हूं, उस लोकेशन में सिर्फ एम की फैक्ट्री है, उस लोकेशन में सिर्फ एम की फैक्ट्री है, ये क्वेश्चन में लिखा था। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं हुआ, पर उस लोकेशन में सिर्फ एम की फैक्ट्री है, दूसरों को बेचने का कॉस्ट बहुत ह्यूज है, कॉस्ट कॉस्ट बहुत ह्यूज है दूसरों को ट्रांसफर करने का, दूसरों को सेल करने का, ये भी दिया है क्वेश्चन में। तो रौनक जी, आप जो बोल रहे थे सर कंडीशन देखना पड़ेगा, दो मैंने डाल दिया कंडीशंस। अब बताइए लीज है या नहीं है, उस लोकेशन में सिर्फ एम की फैक्ट्री है, अगर दूसरों को बेचना है तो कॉस्ट बहुत ह्यूज रहेगा, बताइए अब क्या होगा? क्या बात, आप लोग समझ रहे हैं ना, लीज है। देखो आप लोग आंसर दे पा रहे हैं जबकि मैंने इंड एस 116 के आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं, बिना कॉन्सेप्ट के आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। अब आप बताइए 116 में हार्ट गया है, इतना तो ईजी है, सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखना है आप लोगों को, और है क्या? और मैं आपको इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तीसरा तीसरा केस। यहां पे दिया है कि एम के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, ये वाला पॉइंट था, पर ये वाला पॉइंट नहीं था कि एम की डिजाइन है, एम के एक्सपर्ट्स है, ये वाला पॉइंट नहीं था, एम के हिसाब से बना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एम के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, जो एनर्जी बनेगी पूरा का पूरा एम खरीदेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अब आप बताइए, अब आप बताइए लीज है या नहीं है? मैंने बोल दिया कंफ्यूजिंग हो गया, आप कंफ्यूज होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी है। एम की डिजाइन नहीं है, उसके खुद के डिजाइनर, एस के खुद के डिजाइनर्स थे, एस का लोकेशन था, एस का इंजीनियर्स थे,
एम सिर्फ आया और एम ने एनर्जी के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए, यानी कि वहां जो भी एनर्जी बन रही हो पूरी की पूरी एम ही खरीद रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है? फिर भी लीज, आप में से कई लोगों ने बोला है लीज ही रहेगा, डजेंट मैटर। अब इसके अंदर में ना एक पॉइंट और ऐड होता है। देखिए तीन पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है सब्सटेंटिव राइट्स जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी एक स्पेसिफिक एसेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट एक्सक्लूसिविटी। तीसरा पॉइंट भाई सामने वाले के डायरेक्शंस पे आप काम कर रहे हैं, सामने वाले के कंट्रोल पे आप काम कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही इनके साथ में होके रखा है कि आप जो सर्विस देंगे पूरी की पूरी हम ही खरीदने वाले हैं, तो अब क्या आप हमारे ही डायरेक्शंस पे काम करते हो? आपको एग्जाम में टू वे आंसर देना है। अगर आप हमारे ही डायरेक्शंस पे काम करते हो तो लीज है, अगर आप हमारे डायरेक्शंस पे काम नहीं करते तो लीज नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद में मुकेश अंबानी जी ने बोला कि आप मेरे लिए काम करेंगे, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है पूरा का पूरा आप रिलायंस को डेडिकेट कीजिए, सर्विस, सैलरी नहीं, एम्प्लॉय नहीं हो आप, एम्प्लॉय नहीं हो, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आप अपना पूरा टाइम रिलायंस के ऊपर फोकस कीजिए, दूसरों पर फोकस मत कीजिए, हम एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर रहे हैं आपके साथ, तो आप रिलायंस पे फोकस करते हैं। पर रिलायंस में कब कौन सा काम करना है ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि अंबानी जी डिसाइड कर रहे हैं? ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मुझे कितने बजे जाना है, मुझे कब सर्विस देना है, ये सब आप डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी तो ये सर्विस एग्रीमेंट हो गया इसलिए लीज की बात नहीं हो सकती, पर ये एग्जांपल रेलेवेंट होता है समझने के लिए क्योंकि हम लोग इससे डील करते हैं। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो भाई आप तो सर्विस दे रहे हैं, आप तो सर्विस दे रहे हैं, ये लीज नहीं हुआ। पर अगर सामने वाला बोलता है कि ये टाइम है आपको काम करना है, जब जब मैं आपसे सर्विस मांगूंगा यू शुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड द सर्विस, यानी आप पूरा का पूरा अंबानी जी के कंट्रोल में काम करते हैं, तो फिर ये लीज है। मतलब अब वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा बेसिकली, पर आप उस एग्जाम्पल को इसके साथ कोरिलेट कीजिए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो तीन चीजों का होना जरूरी है, एक सब्सटेंटिव राइट, दूसरा एक्सक्लूसिविटी, तीसरा आपके डायरेक्शंस के हिसाब से। अब इसमें से एक्सक्लूसिविटी अगर नहीं भी है, नहीं भी है, बाकी दोनों है, जिससे समझ में आता है कि होना हो है तो एक्सक्लूसिव ही, जैसे मैंने आपको बीच में एक एग्जांपल दिया था उस लोकेशन में और कोई है ही नहीं, तो भी हम लीज बोल देंगे। यानी एक्सक्लूसिविटी ऑन पेपर दिखना जरूरी नहीं है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर हमें दिख रहा है एक्सक्लूसिविटी तो हम बोलेंगे कि लीज है। बताइए क्लियर है क्या? मेरा तीसरे पॉइंट को लेकर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। हाँ हिमांशु जी, आपने बोला एक्सक्लूसिविटी इंपॉर्टेंट है, यस एक्सक्लूसिविटी इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं लिखा है एक्सक्लूसिविटी तो हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म से डिसाइड करते हैं एक्सक्लूसिविटी है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिए। सर द वे यू आर मेकिंग अस थिंक एंड इंटरप्रेट बिकॉज ऑफ दैट इट ईजी लग रहा है, बस ईजी लग रहा है शांतनु जी, यही एग्जाम में भी सोचना है, कुछ नया थोड़ी है, यही चीज एग्जाम में सोचिए। देखिए जब आप इंडिया से इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो इंडिया से इंप्लीमेंट करते समय यही बातें आपके सामने रखी जाएगी, उसके बेसिस पे आप अपना जजमेंट और आंसर देंगे। एग्जामिनर भी तो यही कर रहा है, और करता क्या है वो? सर बेनिफिट्स भी चेक करेंगे। रूबी जी बेनिफिट्स, ये तीन अगर हो गए तो बेनिफिट मैटर नहीं करता, क्योंकि बेनिफिट हो रहा होगा इसीलिए आप लीज एग्रीमेंट पे हैं। अगर लीज एग्रीमेंट नहीं तो आप रखेंगे ही नहीं, अगर बेनिफिट है या नहीं है तो। ठीक है, इम्प्लाइड फोर्थ बेनिफिट अक्रू ऑन लीज। हाँ आप लोग जो बेनिफिट की बात बोलते हैं ना, इतना मतलब देखिए बेनिफिट नहीं होगा तो सामने वाला वैसे ही काम नहीं करेगा, तो वो कंडीशन है, पर वो कंडीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। थैंक यू अभी जी, अगला पॉइंट देखते हैं। कस्टमर एंटर्स इन टू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंपनी अ शिप ओनर फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप। आइडेंटिफाइड वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं बाकी का रब कर देता हूं। 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइड शिप, कस्टमर डिसाइड्स, कस्टमर, एक मिनट, कस्टमर डिसाइड्स मतलब लेसी, कस्टमर कौन है? लेसी। वेदर व्हाट कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड, कब ट्रांसपोर्ट करना है, क्या ट्रांसपोर्ट करना है, व्हेन, विच पोर्ट, कहां जाना है। पर लेसर ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। रेस्ट्रिक्शन इज टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम शिपिंग इन द वॉटर्स ऑफ हाई रिस्क एंड पायरेसी और कैरिंग एक्सक्लूसिव मटेरियल्स। अब देखिए ये पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। आप में से कई लोग रेंटेड प्रिमाइस पे रहते होंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते समय आप लोग वहां पे सामने वाले का, आपने जो भी जगह किराए पे ली है वहां आपको कब अंदर जाना है आप डिसाइड करते हैं, कब निकलना है आप डिसाइड करते हैं, अंदर आपको पढ़ना है, सोना है, टीवी देखना है, डांस करना है, ये आप डिसाइड करते हैं।
बस सामने वाला कुछ कंडीशन रखता है, रात को लाउड म्यूजिक नहीं बजाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं लेके आना, ठीक है, पार्टी नहीं करना अंदर जोर जोर की आवाज करके, ठीक है, ये सारी की सारी तो रेस्ट्रिक्शन सामने वाला प्रिवेंशन के लिए लगा रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन लग गए इसका मतलब आपके पास सब्सटेंटिव राइट नहीं है, सॉरी आपके पास कंट्रोल नहीं है एसेट का, ऐसा बोलूं क्या? ऐसा बोलना चाहिए कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, गलत होगा बोलना, गलत होगा, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास कंट्रोल है, ये प्रोटेक्टिव राइट्स है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं बोलने ही वाला था दिव्या जी, वेरी गुड, आपने पहले ही बोल दिया सर, ये प्रोटेक्टिव राइट्स है, इन्हें इग्नोर करते हैं। वैसे ही शिप के केस में, कोई आपको शिप लीज पे दे रहा है तो उसके दिमाग में डर तो रहेगा, वो आपको बोलेगा हाई वाटर एरिया में मत ले जाना, जहां पे पायरेसी होती है वहां मत लेके जाना, एक्सप्लोजिव इसमें कैरी मत करना, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये प्रोटेक्टिव राइट्स है उसके लिए। बाकी तो कंट्रोल आपके पास ही है रफली, बताइए लीज है या नहीं है, बताइए लीज है या नहीं है। अच्छा दिव्या जी, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं पर आई थिंक आप मिडल ऑफ द क्लास में आए हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना समझ में आए। मैं आपको लाइव की जगह बोलूंगा कि आप पीछे से स्टार्टिंग से ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए वापस से, ठीक है, आपके लिए वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। लीज है, यस लीज है, समझ गए आप लोग। अब मैं यहां से कुछ पॉइंट्स हटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, कस्टमर डिसाइड नहीं करता, कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी कंपनी डिसाइड करती है कब कैरी करना है, कहां कैरी करना है, क्या कैरी करना है, कंपनी डिसाइड करती है। अब लीज है या सर्विस, अब लीज है या सर्विस, बताइए, अब बताइए लीज है या सर्विस। क्या बात क्या बात, समझ गए, वेरी गुड रौनक जी, वेरी गुड अर्पण जी, बस क्लियर है, मतलब बताइए ना मैंने क्या समझा है, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं इन सब चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेसी एंटर्स इन अ 10 ईयर लीज टू यूज एन इक्विपमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स मेंटेनेंस सर्विस। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एज प्रोवाइडेड बाय लेसर, लेसर बोलता है मेंटेनेंस भी मैं ही दूंगा, मेंटेनेंस भी मैं ही दूंगा, लेसर ऑब्टेन्स इट्स ओन इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट, तो लेसर उसमें इंश्योरेंस भी ले रहा है, पर इंश्योरेंस का चार्ज ऑब्वियसली बात है लेसी के ऊपर पास ऑन कर देगा वो। इसका एनुअल पेमेंट वो आपसे 10,000 लेता है, जिसमें लिखा है कि 1,000 रुपए मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उसने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, इसमें से 1,000 रुपए मेंटेनेंस, 500 रुपए सर्विस, नहीं 500 रुपये सर्विस नहीं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ले रहा है वो, ये उसने क्लियर किया है। मतलब उसने ये भी आपको बोल के रखा है कि 8,500 रुपये मैं लीज के लिए ले रहा हूँ, लीज के लिए, ओके सर आई विल टेक ऑफलाइन दिस, अभी लाइव करके डाउट क्लियर कर लेंगे, ओके दिव्या जी कोई बात नहीं, मेंटेनेंस, बस थोड़ी देर रुक जाइए निखिल जी, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। लेसी इज एबल टू डिटरमाइन द सिमिलर मेंटेनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट आर ऑफर्ड टू थर्ड पार्टीज एट 2,000 एंड 500, 2,000 एंड 500, सो लेट्स टॉक अबाउट फेयर वैल्यू, इसका फेयर वैल्यू 2,000 है, इसका फेयर वैल्यू 500 है, ठीक है, नॉन लीज आइटम सेपरेट करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, देखिए 500 रेस्पेक्टिवली, द लेसी इज अनेबल टू फाइंड ऑब्जर्वेबल प्राइस फॉर रेंट ऑफ लीज ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो फेयर वैल्यू नहीं बता पा रहा, यानी कि विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट मेंटेनेंस सिर्फ इक्विपमेंट लीज पे देने का आपको कोई फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि क्या करना है, अब इसमें दो बातें होती है, एक ऑप्शन होता है कि आप अगर मेंटेनेंस इमटेरियल, मेंटेनेंस इमटेरियल है तो आप एक एग्जेम्पशन यूज कर लीजिए, आप मेंटेनेंस को अलग से मत दिखाइए, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए दो तरह के आंसर्स की तैयारी रखिए, प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट बोलते हैं इसको, एग्जेम्पशन नहीं है ये, प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट है कि प्रैक्टिकली मेंटेनेंस को अलग करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट दिखा दीजिए, तो एग्जाम में अगर यहां लिखा है इफ लेसी यूजेस प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट, इफ लेसी यूजेस प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट देन व्हाट शुड बी कंसिडर्ड टू बी लीज रेंटल, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड टू बी लीज रेंटल, आपका आंसर रहेगा 10,000, आपका आंसर रहेगा 10,000, बताइए ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, बताइए प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट आप लोगों को समझ गए, तो अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट के बाहर जाके ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करवाता हूं आप लोगों को।
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट यूज नहीं कर रहे हैं, या जो मेंटेनेंस है वो इमटेरियल नहीं है, मटेरियल है। लीज में से नॉन लीज कंपोनेंट अलग करना पड़ता है, जो आप में से कई लोगों ने चैट में लिखा, अलग करना पड़ता है। अब लीज और नॉन लीज का स्प्लिट कैसे होता है, कल इंड एस 115 जिस जिसने पढ़ा था ध्यान रखिए वही कंसेप्ट सारे इंड एस में। फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में, फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में, ठीक है। चलिए मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं, एक बार इस क्वेश्चन से थोड़ा बाहर निकलिए। सर्विस एलिमेंट की फेयर वैल्यू 2000 है, लेट से लीज एग्रीमेंट की फेयर वैल्यू 8000 है, और इंश्योरेंस नहीं 8000 नहीं 8000 नहीं 10000 है, और इंश्योरेंस की फेयर वैल्यू 500 है। आप लीज और नॉन लीज को स्प्लिट करते हैं क्या रेशियो में, फेयर वैल्यू के रेशियो में। सर नॉन लीज क्या होता है, नॉन लीज क्या होता है, नॉन लीज वो होता है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट गुड्स है या अपने आप में इंडिपेंडेंट सर्विस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट गुड्स है या अपने आप में इंडिपेंडेंट सर्विस है। मेंटेनेंस सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस नहीं है, इंश्योरेंस सर्विस नहीं है, वो अपने आप में सेपरेबल नहीं है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के लिए होता है ना, इसीलिए इसे इग्नोर किया जाता है। इसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं इग्नोर करूंगा, समझ गए अब आप लोग, तो रिपीट करने के लिए कहा था, क्लियर है केशव जी। अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में, इंश्योरेंस को भूल जाइए, इंश्योरेंस की फेयर वैल्यू को भी भूल जाइए, 2000 और 10000 के रेशियो में लीज के अमाउंट को स्प्लिट कर देंगे। मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, अगर लीज रेंट आपने 10000 डिसाइड किया है, लीज कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू 10000 है, ऐसे ही सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इक्विपमेंट के लीज के विदाउट मेंटेनेंस, लीज विदाउट मेंटेनेंस 10000 में होते हैं, और आप मेंटेनेंस के नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स 2000 में होते हैं, 2000 में होते हैं, तो क्या रेशियो बनेगा। लॉजिक जतिन जी, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए आप तो 10000 ही ले रहे हैं, आप लीज भी दे रहे हैं और आप मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, आप तो दोनों चीजें दे रहे हैं। मेंटेनेंस इंड एस 116 में कवर नहीं होता, इसी मेंटेनेंस कहां कवर होगा, 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसीलिए मेंटेनेंस की अकाउंटिंग अलग से होना चाहिए, लीज 116 में कवर होता है, लीज की अकाउंटिंग अलग से होना चाहिए, इसीलिए इसे स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो रॉर गेमिंग जी ने आंसर बताया, मेरा वीडियो बीच में अटक गया। पूजा जी एक बार बंद करके वापस से स्टार्ट कर दीजिए, बंद करके वापस से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आंसर आपने बताया 8333, 1667, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 के हिसाब से लेसर करेगा, लेसर। इसकी अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के हिसाब से लेसर भी करेगा, लेसी भी करेगा। लेसर क्या, लेसी क्या, दोनों के दोनों इसकी अकाउंटिंग 116 के हिसाब से करेंगे। इसकी अकाउंटिंग लेसी अक्रूवल कंसेप्ट पे करेगा, अक्रूवल कंसेप्ट पे करेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, समझ गए। 1666, जैसे जैसे मेंटेनेंस सर्विस देंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे, यस हिमांशु जी, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। बताइए कोई भी डाउट यहां तक, यहां तक के कंसेप्ट पे कोई भी डाउट, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहां जो भी लिखा है ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8333 विल बी कवर्ड बाय 116 एंड 1667 विल बी कवर्ड बाय 1, अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट। सो प्लीज रिपीट, हाँ किरण जी मैंने रिपीट करवाया आपको, ओके। अब हम आते हैं हमारे वाले कंसेप्ट पे, जो इंड एस 115 में भी कल हमने डिस्कस किया था, लीज का सेपरेट फेयर वैल्यू नहीं पता, जो इस क्वेश्चन में बोला है, लीज का सेपरेट यानी लीज विदाउट मेंटेनेंस का सेपरेट वैल्यू आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। आपको क्या ठीक लगता है मुझे ये बताइए, 10000 का लीज एग्रीमेंट हुआ है, 2000 की मेंटेनेंस की फेयर वैल्यू है, 2000 की मेंटेनेंस की फेयर वैल्यू है, पर आपने एग्रीमेंट में 1000 लिखा है, आपने एग्रीमेंट में 1000 लिखा है पर फेयर वैल्यू 2000 होती है, तो लीज कंपोनेंट और मेंटेनेंस कंपोनेंट की कितनी कितनी वैल्यू लेना चाहिए, आपको क्या ठीक लगता है आप ये बताइए, बाद में मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको क्या ठीक लगता है, ये वाला कंसेप्ट वापस से बताना है। पूजा जी मैंने बोला अगर आपको लीज विदाउट मेंटेनेंस का फेयर वैल्यू पता है और मेंटेनेंस का फेयर वैल्यू पता है, बस उस रेशियो में बांट दीजिए, मैंने इतना ही बोला पूजा जी, और कुछ नहीं बोला मैंने।
अब हम कर रहे हैं कि लीज का फेयर वैल्यू नहीं पता, लीज का फेयर वैल्यू नहीं पता, पर मेंटेनेंस का फेयर वैल्यू 2,000 है। एग्रीमेंट में आपने 1,000 लिखा है पर उसका फेयर वैल्यू 2,000 है, तो क्या करना चाहिए? 10,000 पूरा लीज, निखिल जी का कहना है। रौनक जी का कहना है सर 10,000 में से 2,000 हटा दीजिए वो लीज, यानी 2,000 मेंटेनेंस, ऐसा रौनक जी का कहना है। जतिन जी का कहना है पूरा 10,000 लीज। रूबी जी ने आंसर डिलीट कर दिया। दीपिका जी का कहना है 8,000 2,000। हिमांशु जी का कहना है 8,000 2,000। 8,000 2,000 सही आंसर है, सही आंसर है। क्यों? मेंटेनेंस तो लीज में कवर नहीं होता, मेंटेनेंस तो लीज में कवर नहीं होता, तो पूरा 10,000 लीज में कैसे लूं? मेंटेनेंस को अलग तो करना ही पड़ेगा। अब आपने अपने विंडो ड्रेसिंग के लिए एग्रीमेंट 1,000 बता दिया, लीज 1,000, मेंटेनेंस 1,000 बता दिया, पर एक्चुअल में 2,000 है, एक्चुअल में 2,000 है, तो सीधी बात है ना, 2,000 अलग करना चाहिए। 2,000 को मेंटेनेंस पे अकाउंट करो, 8,000 को इंड एस 116 में अकाउंट करो। 8,000 विल बी कवर्ड इन 116, डीमिंग इट टू बी द फेयर वैल्यू, अज्यूमिंग इट टू बी द फेयर वैल्यू ऑफ लीज, एंड 2,000 विल बी अकाउंटेड फॉर एज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट है तो पूरा 10,000 लीज पे जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट, ये प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट थोड़ी है, तो उस केस में 2,000 और 8,000 ही रहेगा। बताइए यहां तक मैंने जो भी पढ़ाया उसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट प्लीज मुझे बताइए। इंश्योरेंस, रूबी जी इंश्योरेंस अपने आप में कोई सर्विस नहीं, आपने तो किसी और से सिर्फ इंश्योरेंस परचेज कर लिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्सपेंस है, दिस इज नॉट अ सर्विस। सर्विस मेंटेनेंस है, यानी वो कुछ सेपरेट आप दे रहे हैं, सर्विस मेंटेनेंस। इंश्योरेंस में आप क्या दे रहे हैं? आप कुछ नहीं दे रहे, आपने तो सिर्फ इंश्योरेंस खरीद के रख लिया, तो इंश्योरेंस सेपरेट नहीं होता इसलिए। ठीक है सर, ये काफी सारा बीच में स्किप हो गया था। पूजा जी एक बार ये वीडियो वापस से देख लीजिएगा, आपके इसमें बहुत सारा लैग भी आया है, अटका भी है वीडियो, तो सेंस नहीं बनता, आपने ये वीडियो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, 116 कुड नेवर बीन, थैंक यू अभी जी। इट इज लाइबिलिटी ऑफ लेसर, यस इट इज लाइबिलिटी ऑफ लेसर। ठीक है बढ़िया, अब देखिए सेशन मेरा आज का ऑलमोस्ट एंड होने पे आ गया है। मुझे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना था, आज के सेशन में नहीं ले पाया, मैं इसका एक सेशन डिक्लेयर कर दूंगा। मैं आपको कमिंग 2 डेज के सेशंस बता चुका हूं, 15th यानी कल, कल हम लोग ले रहे हैं ITFG, इसमें भी लीज के क्वेश्चंस हैं। 16th डे आफ्टर टुमारो डाउट सॉल्विंग, मैंने आप लोगों को कहा था आपके डाउट्स मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अनअकैडमी के ऐप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में नीचे अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे कर सकते हैं। 17th मैं वापस से 116 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले लूंगा। ठीक है, आज अब टाइम थोड़ा सा कम बचा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, पर मैं डेफिनेटली लूंगा, मैंने कमिट किया है, मैं आप लोगों के लिए सेशन जरूर लूंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, काफी क्वेश्चन मेरे पास आ भी चुके हैं। आई थिंक पूजा जी आपका एक क्वेश्चन है वो मैं कवर करने वाला हूँ, एक और, एक तो 115 का क्वेश्चन आया था, एक और एक एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, 115 के ही थे दोनों क्वेश्चन, 115 के हैं, मैं दोनों क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग में लेने ही वाला हूँ। ठीक है अभी रॉर गेमिंग जी आपको कोई डाउट था, और भी दूसरे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी थी, शेड्यूल 3 का कुत्तो भी था, वो सब भेज दीजिए, मैं वो सब कवर कर लेता हूँ। ठीक है सर, 116 के कुछ क्वेश्चंस जो आप बोल रहे थे वो भी मार्क करा दीजिए, मैं पढ़ा ही दूंगा पूजा जी, और मेजरली मैंने करा दिए, मेजरली मैं जो आपको क्वेश्चन बोल रहा था वो यही है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और स्टार्टिंग में ऐसे ही थियोरेटिकल कुछ 10-15 क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कीजिए बस, पहले 10-15 क्वेश्चन, उसके आगे मत पढ़िए। ओके, 116 के रुचा सारडा मैम ने कपिल भल्ला का नाम लिया है। ठीक है अभी जी, ITFG मीन्स, अभी जी कल बात करते हैं ITFG के बारे में। थैंक यू, इंडियस टेक्निकल फैसिलिटेशन ग्रुप, केशव जी ने बता दिया है। पिंटू जी एक टेस्ट पेपर देना चाहिए, बिल्कुल रौनक जी टेस्ट पेपर ले लेंगे, इंडियस 116 क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे वो हो गए हैं, कोई भी, हाँ कोई भी हो गया क्लियर। क्लास टाइमिंग 7:15 to 8:15 दिव्या जी। ठीक है सर, आई विल सेंड, प्लीज कंसिडर माई डाउट, बिल्कुल उर्जिता जी 100%। 115 के स्टेप 2 में ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कैन वी स्किप? ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट, हिमांशु जी मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, अभी मेरे को ऐसा स्टेप 2 करके ध्यान में नहीं है,
मॉडिफिकेशन का सम करवा दीजिए। रूबी जी मैंने स्टार्टिंग में कहा था मॉडिफिकेशन ऐसा टाइम में एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट आया है और आप लोगों को अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट मॉडिफिकेशन नहीं पूछेगा। और देखिए पहला अटेम्प्ट है 116 का, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीधा हाई लेवल क्वेश्चन आएगा तो इंस्टीट्यूट ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर। GFRS रिवाइज करवा दीजिए। प्रमोद जी, GFRS के तो इतने सारे सेशंस हो गए, पास वीडियोस देखिए, मैंने कितने सारे पेपर्स ले लिए हैं GFRS के। मैं आगे भी लूंगा, मैं आगे भी लेने वाला हूँ। ठीक है, थियरी आ सकती है क्या? डोंट एक्सपेक्ट हिमांशु जी, डोंट एक्सपेक्ट कि थियरी पूछी जाएगी। और क्या क्या डाउट्स हैं? अच्छा, आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, तब तक कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ वापस से। ठीक है, हम लोगों ने रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर दिए। ये रेगुलर बैचेस आप लोगों के लिए नहीं है, आपके दोस्तों के लिए हैं, जिनका भी अटेम्प्ट मई 21, नवंबर 21 है। मई 21 ऑनवर्ड्स रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो गई है, मेरे 5 सेशंस हो गए हैं। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं विच इज 24,000, जिसमें आप सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, ऑटो सब्जेक्ट्स अनलिमिटेड व्यूज के साथ। ठीक है, और अगर आप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका फीस 36,000, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट, सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल विथ 116 नाउ, वेटिंग फॉर प्रैक्टिकल क्लास क्लास। ठीक है शांतनु जी, बिल्कुल हम लोग लेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है क्या? हाँ दिव्या जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, मैंने न्यू सिलेबस के 500 क्वेश्चन लिस्ट के साथ दिए हैं वहां पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 7 लेक्चर्स है, 7 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आप पूरे के पूरे देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, कोई और डाउट रह गया है किसी का, या आज का सेशन एंड करें? शेड्यूल 3 का किसी ने कुत्तू भी पूछा था, क्या हुआ उसका? सर लीज पेमेंट कमेंसमेंट डेट का एंड ऑफ द ईयर अगर क्वेश्चन नहीं दिया हो तो? सर लीज पेमेंट कमेंसमेंट क्या लेना है? रौनक जी, मैंने जितने इंस्टीट्यूट के आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेंट मान रहे हैं वो लोग, तो ये सभी लोगों को बोलूंगा मैं, IND AS 116 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेंट दे रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर रेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी वही अजम्पशन के साथ चलिए। आई अज्यूम इंस्टीट्यूट क्लियर रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में देते समय आप MTP देख लीजिए, आप RTP देख लीजिए, इंस्टीट्यूट क्लियरली डिफाइन कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर, तो शायद मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन फ्रेम करते समय इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई है, वो भूल गए लिखना, पर अभी जितने भी क्वेश्चन थे उनमें वो लोग लिख रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए। सर लीज कमेंसमेंट देना है या वो? कुशबीर जी, मैंने आपका आंसर दे दिया। कंपलसरली कन्वर्टेबल में प्रिंसिपल डिस्काउंट करते हैं क्या? नहीं प्रिंसी जी, कंपलसरली कन्वर्टेबल में प्रिंसिपल डिस्काउंट नहीं करते हैं। आई थिंक प्रिंसी जी एक क्वेश्चन था MTP का जिसमें कंपलसरली कन्वर्टेबल लिखा है, ठीक है, पर उसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल है कन्वर्ट करने का, तो कंपलसरली कन्वर्टेबल गलती से लिखने में आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, तो कंपलसरली कन्वर्टेबल में प्रिंसिपल डिस्काउंट नहीं करते, आपने वो अज्यूम करके सॉल्व किया है, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। ठीक है, मॉड्यूल में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ रौनक जी, मैं जानता हूं वो कंफ्यूजन का दिक्कत। सर कंसोलिडेशन लेक्चर्स आल्सो देयर? हाँ शांतनु जी, कंसोलिडेशन 103 110 के सारे क्वेश्चंस है, पर आपको पास एग्जाम पेपर्स के थ्रू देखना पड़ेगा, सो चेक द पास एग्जाम पेपर्स, MTPs RTPs कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर के वीडियोज देखिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट में साल सिर्फ 2 महीने यूज करेंगे 5 ईयर्स के लिए। हाँ पूजा जी, एक क्वेश्चन था वैसा, 2 महीने यूज करेंगे। चलिए ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी मैं फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस के दिन में मैं ध्यान में रखता हूँ कि मेरे को लेना है आपके लिए वो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन लगेगा क्या? ठीक है, वो एग्रीमेंट बेसिकली 5 साल का हो गया एक तरह से पूजा जी, उसमें एग्जेम्पशन की बात नहीं आएगी। ठीक है, 101 रौनक जी, मैंने इससे पहले भी एक सेशन में बोला है, 101 के सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पास एग्जाम पेपर्स में, देख लीजिए, उसके आगे मत पढ़िए, उसके आगे दिमाग मत लगाइए। कंसेप्चुअल वीडियोस ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट शेयर बेस पेमेंट हो चुका है मयंक जी, डेफर्ड टैक्स पे है, शेयर बेस पेमेंट पे कंसेप्चुअल नहीं लिया है पर पास एग्जाम पेपर्स में कवर किया है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा जिनके भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रह गए हैं, आप लोग एक बार टारगेट 500 ओपन तो करके देखिए, मैंने बहुत कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाए हैं, यानी एक एक क्वेश्चन उठाते समय मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक बार ओपन करके देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा।
हाँ रूबी जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के सारे क्वेश्चन अनअकैडमी ऐप पे है, वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। रौनक जी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है 101। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एग्जाम, अपन एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस कर रहे हैं रौनक जी, अभी पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है आपको। मैंने 101 बहुत सारी कंपनीज में इंप्लीमेंट किया है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आपके पास 101 में बताने के लिए। अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, अभी एग्जाम पे फोकस कीजिए आप लोग। डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट अमाउंट। अच्छा मयंक जी, शेयर बेस्ड पेमेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, अभी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस कर रहे हैं, अभी उस पर प्लीज़ फोकस मत कीजिए, अभी ऐसे क्वेश्चन अवॉइड कीजिए प्लीज़। ठीक है सर, ये सारे वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं क्या? मैं श्योर नहीं हूँ रौनक जी, मुझे आइडिया नहीं है डाउनलोडेबल है या नहीं है, टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं समझती। 109 क्वेश्चंस विद इंडिया एस 21 इन नवंबर आरटीपी 2020, कैन यू एक्सप्लेन? मैंने एक्सप्लेन किया है खुशबीर जी, मैंने वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। एफ वी टी ओ सी आई का क्वेश्चन था आई थिंक, फॉरेन करेंसी वाला, वो क्वेश्चन पे पूरा एक सेशन लिया हुआ है। 33 के ऊपर दिव्या जी सेशन हो चुके हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस के दो वीडियोस हैं इंडिया 33 के, टारगेट 500 में देखिए कवर किए हुए हैं। आप लोग मुझे जितने सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सब टारगेट 500 में कवर्ड है, आप लोग एक बार ओपन करके तो देखिए, आप लोग कोई भी देखे ही नहीं है अभी तक के। ठीक है, आप मेरे को कोई भी सवाल पूछो, सर ये स्टैंडर्ड कवर करो, मैं सब कवर कर चुका हूँ, आप सवाल सोच भी नहीं सकते हैं, वो सब भी मैंने वहां पे कवर किए हैं। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस, आप क्वेश्चन वो ईसॉप विथ ईपीएस, सब सब कवर किया है, आप सवाल जो पूछोगे मैंने सब कवर किया है। ठीक है, लिंक कहाँ है? नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, मैंने पूरा का पूरा लिस्ट दिया है, स्टैंडर्ड नंबर उसके नीचे उसके क्वेश्चंस, आपको पूरा लिस्ट वाइज मिल जाएगा। ठीक है, हाउ टू गेट एक्सेस बता दिया मैंने खुशबीर जी। चलिए आज का सेशन अब यहीं पे फिर एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।